हाय गाइस, मेरा नाम है सुमन शुक्ला। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए उड़द, सफ़ेद उड़द दाल की कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने कचौरी के लिए आटा गूंथती थी। ये गेहूं का आटा है जो हम रोज़ रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक कटोरी गेहूँ का आटा, थोड़ा सा नमक डालूँगी टेस्ट के लिए। इसे मिक्स करते हुए इसका पराठे की जैसे आटा गूंथ लूंगी सॉफ्ट। ये देखिए, इस तरह हमें सॉफ्ट आटा गूंथना। मेरा आटा गूंथ के रेडी हो गया। थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा दूंगी और इसे 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ ढककर। और तब तक हम अपने स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। ये है सफ़ेद उड़द की दाल जो हम इडली और मेंदू वड़ा के लिए यूज़ करते हैं। इसे मैंने पहले से ही 7 से 8 घंटे सोख करके रखे हैं। इसे मैं मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ। एकदम फाइन ग्राइंड करना है मुझे इसे। पानी बिल्कुल भी ना डालें, जितना हो सके सूखा पीसने की कोशिश करें। ये देखिए, मैंने अपने दाल को पीस लिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको पीसना है। बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं करना है, इस तरह होना चाहिए। अब मैं इसे भून लेती हूँ। मैं 1 से 2 चम्मच तेल डालूंगी। तेल गरम हो जाए फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी थोड़े से। ये है जीरा जिसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। इसे ज्यादा भुनना नहीं है, पर थोड़ा सा चटकना शुरू होना चाहिए बस। ये देखिए, मेरा जीरा चटकना शुरू हो गया। बस ये है काली मिर्च जिसको मैंने कूट लिया है मोटा मोटा। अब इसमें मैं जो दाल पीस के रखा है इसको डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी। इसे 2 से 3 मिनट तक मुझे अच्छे से भूनना है, कच्चापन पूरी तरह से निकल जाए। ये देखिए, मेरी दाल भून चुकी है। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था, सिर्फ कच्चापन निकालना था। अब मैं इसमें थोड़े से जो मसाले बचे हैं वो डालती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा हींग, बारीक कटी हुई कड़ी पत्ता, ये चॉप बारीक जिंजर, हरी धनिया और ये हरी मिर्च। इसके अकॉर्डिंग नमक और ये गरम मसाला, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर देना। देखिए, मेरा स्टफिंग भी भर के रेडी हो गया और मेरा आटा भी रेस्ट करके तैयार हो गया। अब हम कचौरियाँ भर लेते हैं। ये देखिए, मैंने सारे पेड़े बना के रख लिए। अब मैं आपको कचौरी भरने बताती हूँ। इसको इस तरह से लेकर ऐसे हाथों से प्रेस करते हुए इसे एक बड़ी सी कटोरी का आकार दे देंगे और इसमें इसका छोटा सा एक बॉल जैसा बना के इसमें स्टफ करेंगे। इसे धीरे धीरे इस तरह से करते हुए ऐसे ऊपर लेके आएंगे। इसका मुंह बंद कर देंगे। अगर आटे का ज़्यादा ऊपर आ जाए तो उसे निकाल दीजिए, मेरा नहीं है। ऐसे हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे और इसे हल्का सा बेल लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस इस तरह से। यहाँ मेरी कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा है मैंने। अब मैं इसे डाल दूँगी। एक बार तेल गर्म हो जाए तो इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही तलना है, इस तरह धीरे धीरे। ये देखिए, मेरी कचौरी फूल कर ऊपर आ गई है। इसी तरह इसको धीरे से पलटी कर दूंगी और गोल्डन होने तक सेक लेना है हमें। ये देखिए, मेरी कचौरियाँ फूल के एकदम करारी गोल्डन कलर के गल के तैयार हो गई हैं। अब मैं इसे निकाल दूंगी। इसी तरह मैं अपने बाकी सारी कचौरियों को भी तल लूंगी। ये देखिए, मैंने अपनी सारी कचौरियों को तल लिया है और ये बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट बने हैं। आप इसे आलू टमाटर की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.